हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ अनरसा रेसिपी। ये गुड़ के अनरसे हैं, बहुत जगह बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, हम लोग हिलसा भी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप चावल लिया है, यानी 500 ग्राम। तो इसको मैं 4-5 पानी से धोकर 1 दिन रात के लिए सुखा लिया है। आप चाहें तो इसे 2-3 दिन भी भिगो सकते हैं, उससे और भी अच्छी बनेगी। वैसे 1 दिन काफ़ी है इसके लिए। तो मैंने इसको 3-4 पानी से धोकर 1 दिन के लिए सुखा दिया है इसको, पूरा दिन रात, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट बने। तो देखिए, ये हमारे भीग चुके हैं। 1 दिन के बाद का है ये वीडियो, ये मकर संक्रांति का वीडियो है फ्रेंड्स, लेकिन लेट जा रही है किसी कारण से। तो देखिए, ये एकदम टूट रहे हैं, मतलब अच्छे से भीग गए हैं। इसको मैं एक छन्नी में छान लेती हूँ, और जब इसके सारे पानी अच्छे से निचुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं इसको एक किसी सूती कपड़े पर सूखने के लिए दे दूँगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है तिल, इसका मेन, और ये 300 ग्राम गुड़ है, और ये गड़ी है। इसको इतना नहीं डालूँगी मैं, 2 चम्मच बस डालूँगी, छोटा सा टुकड़ा ग्रेट करके, चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच। तो देखिए, पानी हमारा छन गया अच्छे से। तो अब मैं इसे सूती कपड़े पर रख कर अच्छे से फैला देती हूँ, ताकि ये हवा में अच्छे से सूख जाए। पंखा भी चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सूख जाती है अच्छे से। आधा घंटा के लिए मैं इसको छोड़ दी थी, और ये छोड़ दूँगी और ये अच्छे से सूख जाएंगे। देखिए, अभी गीले गीले हैं, लेकिन अभी आधे घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ इसको। बस इसका पानी सुखाना है चावल का, चावल को नहीं सुखाना है, चावल सॉफ्ट ही रहेंगे। देखिए, हाथ में पानी नहीं लग रहा है, अभी चावल सूख चुके हैं, हाथ में पानी नहीं आ रहा है, यानी परफेक्ट है। तो अब इसको चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो इसको पीसना है, तो मैं इसी कपड़े में बांध कर इसको छोड़ देती। आप किसी साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा कर कर पीसे, ताकि ये आसानी से पीस जाएगी आपकी। अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो ये पीसने में भी दिक्कत करेगी, और जल्दी पीसती नहीं है, क्योंकि ये भीगे हुए हैं अभी। मैं 2-3 बार में इसको पीस के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, मैं इसको छान लेती हूँ, ताकि जो महीन है वो अलग हो जाए और जो मोटे पार्ट्स हैं वो अलग रह जाए। तो उसको मैं फिर से पीस कर इसमें मिला दूँगी, मतलब एकदम फाइन पाउडर बनना चाहिए इसका। देखिए, हमारे आपको दिख रहा होगा, ये भीगे भीगे हैं चावल। तो इसको मैं, देखिए, ये एकदम भीगे हुए हैं अभी। इसको एक साइड दबाकर किसी ढक्कन से ढक कर इसको रख देती हूँ, जब तक कि मैं बाकी का प्रोसेस कर रही हूँ। तो देखिए, अब कढ़ाई को चढ़ा दिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो में बनाऊंगी मैं इसको, गुड़ की चाशनी को। तो इसके लिए आधा गिलास पानी डाल दिया है। और गुड़ को मेल्ट होने के लिए डाल देती हूँ। आप ना फ्रेंड्स, जो डार्क कलर के गुड़ आते हैं ना, उससे लाए या कोई भी जो पकवान बनाते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, चाशनी वाली खास करके चीज़। और जो थोड़ी लाइट कलर की होती है उसके अच्छे नहीं बनते हैं, इसलिए कोशिश करें कि डार्क वाले से बनाएं, तो आपकी कोई भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसकी चाशनी बनानी है, चिपचिपी वाली, वो नहीं, हार्ड चाशनी बनानी है, जो लाई के लिए बनाते हैं या चिक्की के लिए बनाते हैं, वैसी नहीं बनानी है। मैं आपको दिखाऊँगी आगे। देखिए, चाशनी हमारी, ये गुड़ मेल्ट हो गया, और फ्लेम को अभी मीडियम कर दिए। शुरुआत में मैं लो रखी थी, क्योंकि गुड़ जले ना, इसलिए अब मैं इसको मीडियम फ्लेम कर दी हूँ। देखिए, डालकर मैं बीच बीच में चेक कर रही थी इसको, मतलब जमना है वहाँ पर, देख सकते होंगे, अगर वो फैल रही है पानी में तो वो नहीं हुई है। देखिए, ये जम गया, मतलब ये हो गई है चाशनी हमारी, मतलब अब
चावल डालने का टाइम आ गया, इसको बस ऐसे ही बनाना है। जमने लगे बस चाशनी हो गई, बस डाल देना है इसको चावल को। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर कर चावल को इसमें डाल दे रही हूँ। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर कोई है तो पास में, लेकिन मैं तो अकेले ही कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करें, एक साथ डाल देंगे तो ये लम्स पड़ जाएंगे, तो उसको फिर गुठलियों को तोड़ने में बहुत मुश्किल आएगी। और देखिए अभी मैं इसको 3 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसमें जो बैटर है इसमें अच्छा सा चिपचिपापन आ जाए और ये अच्छे से चावल पक जाए गुड़ के साथ। अभी इसके जो अनरसे हैं वो बहुत अच्छे बने होंगे अगर आप अच्छे से इसको पकाएंगे तो। और अभी वैसे भी ये गीली है, अब मैं इसको होने के आसपास है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच नारियल का जो ग्रेट करके रखी हूँ सूखे नारियल को उसको डाल देती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद सौंफ को डाल दूँगी। आप दोनों एक साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे, ये अभी और भी गाढ़ी हो जाएगी जैसे जैसे ठंडी होगी। देख सक रहे होंगे अभी थोड़ी गाढ़ी हो गई। तो अब मैं ये इसको उतार दी हूँ, ये हो चुका है अच्छे से। जब तक वो ठंडी हो रही है तो इधर मैं निकाल लेती हूँ ये थोड़ा सा पोस्ता दाना या खसखस जो भी बोलते हैं निकाल ली हूँ थाली में, उसको कोट करने के लिए एक साइड, और थोड़ा सा सफ़ेद तिल निकाल कर रख ली हूँ। तो इधर मैं रिफाइंड ऑयल को डाल दी हूँ। हम लोग के साइड में फ्रेंड्स सरसों तेल में ये बनाया जाता है, तो सरसों तेल के बहुत अच्छे बनते हैं अनर से, लेकिन मैं अभी रिफाइंड डाली हूँ। देखिए ये गाढ़ी हो गई, देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई ना, इसके गोले बन जाएंगे जैसे जैसे और भी ठंडे होंगे, ये आराम से रोटी के आटे के जैसे गोली बन जाएगी इसकी। तो मैं इसमें टिश्यू पेपर रखती हूँ थाली में ताकि मैं इसको छान कर उसमें रखूँ तो बाकी के ऑयल उस सोख कर ले वो। तो मैं थोड़ा सा डाल कर देख रही हूँ इसमें। इसके लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए शुरुआत में जब हम इसको डालेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके मैं सारा बनाऊंगी। देखिए कितने अच्छे गोले बन रहे हैं। और इसको एक साइड में तिल या पोस्तो जो भी आप डालना चाहते हैं। तो देखिए मैं पहले एक डाली हूँ, जब थोड़ी सी ये सीख जाए ये अपने आप ही फूल जाएगी बहुत अच्छी। तो वो जो झंझरे से या जिससे भी छानने वाले होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर में डालेंगे, क्योंकि इसे एक साइड से ही पकाया जाता है, ऊपर पलट कर नहीं पकाया जाता, इसलिए ऊपर में हल्का हल्का तेल को डालती रहूँगी। जब कभी ज़्यादा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तेल तो आप लो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग कुकिंग करते हैं उसको तो पता ही है। तो इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है वरना ये हार्ड हो जाएंगे फिर। देखिए एक साइड से पक गई, तो इसको मैं निकाली हूँ। कितना सुंदर कलर आया है देख सकते होंगे आप, देखिए कितनी अच्छी बनी है। मुंह में आ रहा है ना फ्रेंड्स पानी, मुझे भी बनाते बनाते पानी आ रहा था लेकिन मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि इसको झटपट बनाना होता है, बहुत जल्दबाजी का काम होता है ये। तो अपना एक साइज़ का बनाने के लिए कोई चम्मच रख लें बड़ा चम्मच, या जिस भी साइज़ का बनाते हैं तो उसके मेजर ये परफेक्ट शेप के लिए कोई एक चीज़ चुन लें, चम्मच बड़ा छोटा जो भी। इसी तरह से मैं दूसरा डाल कर दिखा रही हूँ। देखिए आप देखिए कितनी छोटी सी लोई डाले थे कितना बड़ा फूल कर हो गया वो।
तेल जरूर डालें ऊपर से, हल्का हल्का हाथों से हिलाते हुए। बहुत जल्दी बन जाती है, इसको बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि चावल तो ऑलरेडी पहले से पका हुआ होता है। इसलिए मैं दिखा रही थी आपको कि मैं जो गुड़ में डाली तो उसमें 3-4 मिनट तक पकाई थी उसको। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं हमारे, इतना सुंदर गोल्डन गोल्डन सा कलर आया है और तुरंत बन जाती है ये। मैं शुरुआत में 1-2 करके बना रही थी, लेकिन उसके बाद 2-3-4 करके भी डाली जब अच्छे से बनने लग गया तो। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है ये, इसलिए मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ मकर संक्रांति पे। ऐसे हम लोगों के यहाँ कोई अर्जेंट नहीं है कि ये बनना ही है, पर बंगाल में बनते हैं गुड़ पीठा के नाम से जाना जाता है इसको, अनरसा, हम लोग के साइड हिलसा भी बोलते हैं इसको, कोई कहीं हम उड़ीसा में इसको अरीसा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में अरीसा बोलते हैं, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये। मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ आपको, प्रोसेस वही है जो शुरुआत में दिखाई, तो भी फास्ट कर दी हूँ ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। ये जो भी मेहनत है इसके पहले के प्रोसेस में ही है, या चाशनी क्या बोलते हैं पाग बनाने के टाइम है, जो भी टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद कोई समय नहीं लगता इसमें, और खाने में उतने ही मस्त लगती है ये, बहुत टेस्टी लगती है। चीनी वाली भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, पर उससे ज़्यादा हेल्दी होता है गुड़, और ठंडे के मौसम में गुड़ तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको पूरा शुरू से लास्ट तक दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को जब भी बनाए तो कोई दिक्कत ना हो। बहुत आराम से बन गया, मैंने कुछ पोस्ते के बनाए डालकर बनाए, कुछ तिल डालकर बनाया, कुछ प्लेन बना दिया है। देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है, थाली भर के आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी लोग इंजॉय कीजिए, मेरे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स को के लिए है ये तो रेसिपी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही मैं वीडियो का करती हूँ द एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, और बेल आइकन को दबा दें।